मेरे प्यारे बहन भाई अंकल आंटी कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं और खैरियत से हैं। उम्मीद करूंगी हमारे तमाम देखने वाले बहन भाई ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मेरे तमाम देखने वाले भाई बहनों से ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोगों ने वीडियो करनी है मुकम्मल वॉच। आप क्या कर रही है? तो आज जो हम जैसे कि पानी का डर है बड़ा वाला, तो आज हम इसको धोएंगे। तो सबसे पहले हम सामान वगैरह साइड पे कर लेंगे, फिर हम लोग मोटर वगैरह चला के ना पानी का डर धो देंगे। तो अभी आप जो है ना ड्रम को नीचे लेके आ रही हैं। किस ड्रम में पानी है ना थोड़ा सा? अभी जब हम ये कपड़ा वगैरह हटा लेंगे, हमने इसके ऊपर डाला हुआ था मोटा कपड़ा क्योंकि मिट्टी वगैरह ना जाए इसमें। तो घर में जो है ना रिक्शा, क्योंकि पहले जो है ना उस जगह पे जहाँ पे रिक्शा खड़ा हुआ उस जगह पे खड़े होके धो लेते, तो आज जरा हम यहाँ पे धोने वाले हैं। अभी हमने सारा काम किया था, दोबारा करना पड़ेगा। तो अभी जो हमने इसमें सर्फ वगैरह डाल के जो है ना इसको अंदर से जो है ना धो लिया, तो अभी हम पानी वगैरह इसमें दोबारा डालेंगे, फिर जो है ना अच्छे से इसको धो के ना फिर जो है ना साइड पे खड़ा कर देंगे। यहाँ से जो है ना अभी हम पैंप वगैरह उठाएंगे। आरिफ तुम उठाओ आराम से आराम से। साइड साइड से धोना है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे हो? ठीक हो? ये है अरम। अरम हाय करो, अरम हाय करो दोस्तों को। हाय अरम, मुझे गुस्से भी लग रहा है क्या? तो आज मेरी बेटी धो रही है ड्रम पानी का। पानी का ड्रम धोते हैं हम हर 15 दिन के 15 दिन। देखना तो होता है ना, अंदर इसको छोड़ दी तो ये रोएगा ना। आराम सर्दी लग रही है, तुमने स्वेटर पहना हुआ है। हाँ, अभी टोपी नहीं पहनी, टोपी मैंने इसकी ना धो दी है। अच्छा धो दी है। हाँ। इसीलिए बोल रही हूँ डरम रखिए के पास रखो। तो अभी आप आपने ड्रम धो लिया है। रेडी हो चुके हैं। पहले हम लोगों ने ड्रम वगैरह पानी का धोया था, काम वगैरह हमारा मुकम्मल हो चुका है। अम्मी जो है आज फूलगोभी लेके आई हैं जो कि अभी हमने बना लिया है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। धनिया वगैरह जो है ना अम्मी ने इसमें डाल दिया है। ये फूलगोभी है। हाँ आकिफ खेल लिया? तुम्हारी मुर्गी कहाँ पे है? छत पर है। मुर्गी को खाना दे दिया? अच्छा,
तो जी अरम यहाँ पे झूले में सो रहा है और अम्मी ने जो है ना कपड़े वगैरह भी धो लिए। तो अभी जी आरिफ जो है ना अभी रिक्शा साफ करेगा, अभी इसने रिक्शा साफ नहीं किया है। कल तो किया था, वो बाहर भी नहीं लेके गए होंगे, सारंदा भी नहीं हुआ होगा। आज नहीं करोगे? नहीं, कल करोगे। वाला भूख लगा तो मैं जान देगा कल लो। तो कह रहा है गंदा नहीं है इतना, है ना? गंदा नहीं। चलो ठीक है फिर। आसिफ कहाँ पे? आसिफ पता नहीं किधर घूम रहा है। अच्छा, तो जैसे कि सुबह सुबह का टाइम है, अभी हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया था, जो बाकी के बिस्तर वगैरह थे वो मैंने तह लगा दिए थे, थोड़े बहुत से जो है ना बिस्तरे रहते थे वो जो है ना मैं अभी तह लगा रही हूँ, कंबल तह लगा लिया मैंने अभी, क्योंकि आसिफ जो है ना सो रहा था, इनके स्कूल में जो है ना एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो एक दिन स्कूल जाते हैं एक दिन जो है ना नहीं जाते, तो जब इनकी छुट्टी होती है तो आसिफ सो रहा था, तो मैंने एक कंबल जो है ना मेरा रह गया था जो कि मैंने अभी तह लगाया है, और यहाँ पे मैंने कंबल वगैरह तह लगा लिया। मैंने कहा चलें बेडशीट तो सुबह मैंने चेंज कर ली थी, तो अभी मैं तकिए की जो कवर हैं वो भी सही कर देती हूँ। सारे काम करने के बाद झाड़ू वगैरह जो ना मेरा रहता था, मैंने कहा झाड़ू भी लगा लेते हैं, कमरा सिर्फ गंदा था, बाहर का झाड़ू है ना वो साफ था, तो बाहर का छोड़ दिया मैंने, कमरे में जो है ना झाड़ू वगैरह जो है ना मैंने कहा लगा लेते हैं हम। सुबह जो है ना जल्दी झाड़ू लगा लिया था, तो फिर नाश्ता करने के बाद फिर जो है ना गंदा हो गया था, तो फिर हमने कहा चले अभी भी जी अम्मी जो है ना अरम को शूज वगैरह पहना रही है, और आकिफ ने जो है ना अरम की टोपी उतार ली। देखो मैंने पहनाई है, उसने तो अभी टोपी इसकी है ना, इसलिए जिसकी चीज होती है पूरी नहीं आ रही क्या इसको? पूरी ना नहीं करो, मोजे उतार लिया अरम के, टोपी तो पहना दो। टोपी पहनाई है उसने, टोपी इसकी है ही नहीं, उसकी है, वो कह रहा मेरी टोपी इसको भी पहना रहे। ये देखो दूसरी भी खुरी निकाल दी उसने, ये देखो पांव ऊपर निकाल के एक निकाल दिया है, चप्पल लूज है ना इससे। अब ये देख दूसरी ऊपर करके खड़ा हुआ है पांव। आखिर तुम्हारी टोपी उतार ली है मम्मी ने? नहीं यार, मेरे बच्चे की है, उसको दूंगी आखिर की है। तुम्हारी है तो आकिब को जन टोपी अम्मी ने दे दी। अरे वाह, मुर्गी के लिए गेट भी लगा दिया। इन्होंने जो है ना देसी तरीके से इन्होंने जुगाड़ लगा के, देखो वो बच्चों का चैनल देखते हैं ना, उससे इन्होंने देखो ये दरवाजा कैसे लगाया है, रस्सियां बांध बांध के। इनकी मुर्गी भाग जाती थी ना, इन्होंने पेटी ला के इधर से, ये देखो ये बांध बांध के बनाया, इधर से रस्सियां ले लेके अपना दिमाग खुद ही चलाया इन्होंने, घर बनाया जबरदस्त बांधा हुआ, इन रस्सियां से बांध के सुराख वगैरह निकाल के, देसी जुगाड़ू काम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और ये भी जैसा कि मेरे पास आ गया है, ये आपको देख और मेरी शक्ल देख रहा है कि अब्बा जो है ना क्या कर रहा है, तो इसकी चप्पल उतर गई। हाँ, इसकी चप्पल उतर गई, ये तार के फेंक देता है, इसे बस खेलने का शौक है। तो विवेक देखो ये मेरी शक्ल कैसे देख रहा है, शक्ल देख रहे हैं हमारी, गौर से देख रहा है अब्बा की शक्ल, गौर से देख रहे हैं अब्बा क्या बात कर रहा है, हंसी 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 हंसी। अब्बा अब्बा बोल दो, अब्बा बोलो, अब्बा बोलता है, बोलता तो है। अब्बा 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 ये इसको देखो, ये शरारतें किए जा रहा है, बच्चे तो ऐसा करते हैं शरारतें। ये बच्चा नहीं है, ये मेरा बड़ा पुत्र है, बड़ा बेटा है, बड़ा पुत्र है, बत्तर। तो जैसा कि व्यूअर्स सर्दी आ गई है और मेरा गला भी जैसा कि बैठ गया है, और कल से रात से पता नहीं शदीद दर्द उठ रहा है, मोबाइल उठाने को मेरा दिल ही नहीं चाह रहा, मोबाइल का मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, इतनी गुस्सा चढ़ रहा है, बस क्या बोलूं मैं, पता नहीं क्यों ऐसा करेगा ना कि मोबाइल फेंक दे तोड़ देना। इतनी पागल तो नहीं हूँ लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों कल रात से ऐसा हो रहा है। कल रात को किसी के फोन आ रहे थे, मैंने बात भी नहीं, बाहर निकल जाओ तो दिल बहल जाएगा, बाहर कहाँ निकलो, तबीयत सही नहीं, गिरा हूँ रोड पे, बहन के घर चले जाओ ना, नहीं बाहर कहाँ जाएगा, रिक्शा खराब पड़ा है। रिक्शा भी जैसा कि खराब पड़ा है, उसकी बैटरी खराब हो गई, आलू लेके आए चिप्स लगाने के लिए,
तो वो भी वैसे ही खराब हो रहे हैं, बच्चे उबाल के पका के खा रहे हैं। बच्चों का नसीब पहले भी एक भले आए थे ना, ये उबाल उबाल के ना छुरी में डाल के इसे जला जला के खा। व्यूअर्स मैं अब आपसे लूंगा इजाजत, तो अल्लाह हाफिज़।